याद में नैना अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना अश्क न हो नैना। ऐसे देशभक्त होने चाहिए जो लड़ते रहते अपने देश के लिए जान भी दे देते हैं। तो हे ही नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और एसआर। तो लाया हूं आपके लिए आज मैं फ्रंट लाइन कमांडो WW सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, समझ लीजिए एक तरीके का गेम है जिसमें आपको अपने दुश्मनों को जो कि आपके बॉर्डर में घुसा है उनको मारना है, ठीक है। तो ये इसका मोड एपीके है मोड, और बहुत ही अच्छा गेम है मैं क्या कहूँ, और बहुत ही कम MB में है। और आपको सिंपली डाउनलोडिंग एक लिंक में मिल जाएगी, नीचे जाके आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और एक ऐप यूज़ किया है ZRChiever, सबके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ जाके सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इंस्टॉल कैसे करना है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो आ गए हैं आप लोग मोबाइल की स्क्रीन पे, तो आपके सामने ZRChiever दिख रहा होगा। ZRChiever जो है एक्सट्रैक्टिंग के काम आता है, तो आप उसको खोल लीजिए। और आपने जहाँ डाउनलोड किया हुआ है उस फोल्डर में आप चले जाइए, मैंने अलग से फोल्डर बना के रखा है, तो अब मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो आपको ऐसी फाइल दिखेगी जब डाउनलोड करोगे, इसी में एक APK और OBP दोनों हैं, तो उसको टैप करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो इससे एक्सट्रैक्ट होने देते हैं। तो अभी एक्सट्रैक्ट हो चुका, तो आपको एक OBP ऊपर मिल गया फोल्डर और एक नीचे APK मिल गया, तो ठीक है। तो ये दो फाइलें आपको मिल जाएगी एक्सट्रैक्ट करने के बाद। तो आपको ऊपर वाले पे जाना है, ऊपर वाले पे होल्ड करके रखिएगा उस पे, तो नीचे यहाँ ऑप्शन खुल के आएगा, तो यहाँ कट कर लीजिएगा। और फिर बैक जाके एक सेकेंड क्या हो गया, कट कर लीजिएगा उसे। बैक जाके फिर अपने डिवाइस स्टोरेज में चले जाइएगा, फिर एंड्रॉयड में चले जाइएगा। अपने एंड्रॉयड में जैसे ही आप जाओगे क्लिक करके, फिर OBP में चले जाइएगा। फिर यहाँ पे आके इसको नीचे हरे वाले बटन को दबा दीजिएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो मैंने कर चुका हूँ, तो मैं नहीं करूँगा। आपको ये सिंपल ही आएगा, आपका ये जैसे हरे वाला बटन दबाओगे आपका एक्सट्रैक्ट होने लगेगा, ठीक है, मतलब पेस्ट हो जाएगा। तो आप, मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ उसे, मैं कर चुका हूँ तो मैं नहीं करूँगा, ओवररीड हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ, फिर मैं बैक जाता हूँ APK पे। यहाँ APK पे क्लिक करते हैं, ऐसे ही APK क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं इसे। और फिर ऐसे मेरे, मैंने अननोन सोर्स अलाउ नहीं रखा, तो मेरे में ऐसा पॉपअप आ रहा है, तो आपके में नहीं आएगा अगर आपने अननोन सोर्स अलाउ नहीं किया रखा होगा तो, ठीक है। तो सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे इंस्टॉल होता है तो मैं आगे की प्रोसेस बताता हूँ आपको, गेम खोल के बताता हूँ कैसा है। इंस्टॉल हो चुका है, तो अब हम लोग चलते हैं गेम की तरफ, इसको ओपन करते हैं। तो आप सिंपली मैं बता दूं आपको, पहले नेट आप ओपन कर लीजिएगा, तब इसको ओपन कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप नेट ऑन कर लोगे तो यहाँ थोड़ी लोडिंग लेगा, ठीक है। थोड़ी लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा कुछ लोगो लिख के आएगा, मैंने इसको थोड़ा स्किप कर दिया है, ठीक है, कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये आगे एक सेकेंड, ठीक है, ओपन होने लगा। तो आपको यहाँ ऐसे ऑप्शन आएगा इंस्टॉलिंग का, इसको कैंसिल कर दीजिएगा। फिर आपके सामने ऐसा कुछ आएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ ब्लैंक स्क्रीन आएगी, डरिएगा मत, गेम खुल जाएगा, ठीक है, यहाँ लोडिंग लेगा। तो इसको थोड़ा लोडिंग होने दीजिएगा, क्योंकि ये या थोड़ी फाइलें डाउनलोड करेगा, ठीक है। तो इंटरनेट ऑन होना चाहिए इसके लिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंटरनेट ऑन फर्स्ट टाइम है। आगे ऑनलाइन प्ले, ऑनलाइन कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऑफलाइन है पूरा गेम, तो आप इसे ऑफलाइन खेल सकते हैं, ठीक है। ये बस थोड़ी फाइल डाउनलोड करेगा, तो इसको फाइल डाउनलोड होने देते हैं, तब आगे देखते हैं कैसे ओपन होता है। तो थोड़ा मेरा नेट स्लो है, तो इस वजह से हो रहा है। तो अब ये ओपन हो चुका है, तो आपको जब जैसे ही डाउनलोड पूरा हो जाएगा तो आपके सामने ऐसा कुछ लिख के आ जाएगा, बैटल ऑफ द ब्लड। तो यहाँ टच टू कंटिन्यू लिख के आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करिएगा, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे वैसे ही आपको रिडायरेक्ट कर देगा कुछ ऐसे पे। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप ऐसे होल्ड करके इस गेम को खेलिएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको लोडिंग ले रहा है, लोडिंग होने देते हैं। यहाँ आ गया है टच टू कंटिन्यू, टच टू कंटिन्यू पे हम लोग टैप करेंगे। जैसे आप टच टू कंटिन्यू पे टैप करोगे वैसे ही आपका सामने गेम ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई वो नहीं है, अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूँ मोड कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो मोड ये आपको यहाँ के सामने कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा ना, आप कह रहे हो यहाँ मोड ही कहाँ है, यहाँ अनलिमिटेड तो है ही नहीं, मैंने अनलिमिटेड दिया हुआ है। तो आपको दिखाता हूँ ये मोड कैसे काम करता है। तो आप जैसे ही किसी चीज़ को परचेस करोगे, ठीक है, जैसे मैं एक चीज़ परचेस करके दिखाता हूँ आपको, तो मैं इसको परचेस करता हूँ। जैसे ही मैं इसको परचेस करूँगा, ऊपर 16 था, अभी देखिएगा मैं परचेस करता हूँ बढ़ जाएगा ये। तो ये मोड ऐसे काम करता है, अभी देखिए मैं कुछ परचेस कर देता हूँ। यहाँ से मैंने कुछ परचेस किया, इसे कंप्लीट किया, ये देखिए मनी बढ़ गई। तो अब मैं ये गोल्ड को करता हूँ, ये देखिए 24 हो गया। तो ऐसे ही इसमें मनी, और जैसे ही आप गोल्ड का खरीदोगे गोल्ड बढ़ जाएगा, और मनी का खरीदोगे कुछ तो मनी बढ़ती जाएगी। तो ये मोड ऐसे काम करता है, ठीक है। तो समझ लीजिए अनलिमिटेड ही हुआ, ठीक है। आप जो भी परचेस करोगे आपको
सिंपली मिल जाएगा वो, ठीक है, कोई वो नहीं करना पड़ेगा आपको, मनी अनी एक्सट्रैक्ट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर चलता हूँ, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके जाना।